जैसे ही बरसात शुरू होती है तो हमें कुछ न कुछ खाने का मन करता है और हम चाय के साथ कुछ न कुछ नमकीन खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम अपने घर में कुछ न कुछ बना करके रखते हैं या तो फिर बाज़ार से ला कर रखते हैं और चाय के साथ खाते हैं। तो इसी को देखते हुए मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है आलू भुजिया की रेसिपी। हम इसे मार्केट से ना लाकर घर में बनाएंगे और एकदम परफेक्ट तरीके से एक ही बार में बना करके तैयार करेंगे। और आज हम इसे दो तरीके से बनाने वाले हैं, एक मशीन से और एक बिना मशीन से, और एकदम परफेक्ट तरीके से बना करके रेडी करेंगे और एकदम करारे और क्रिस्पी होंगे। जिस प्रकार से हम पैकेट में खाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से हम बना करके तैयार करेंगे। और आप सभी यहाँ पर आवाज़ भी सुन पा रहे हैं कितने क्रिस्पी और करारे हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के आलू को अच्छे से उबाल कर छील कर ले लिया है। इसको मैंने करीबन 2 घंटे पहले उबाल कर छील लिया था, इससे आलू एकदम परफेक्ट तरीके से सख्त हो गया है। हमें एकदम गर्मा गर्म आलू नहीं चाहिए, गर्मा गर्म आलू से एकदम परफेक्ट तरीके से आलू भुजिया नहीं बन पाता है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको 2 घंटा पहले उबाल कर छील लिया था। अब चलिए मैं इसको काट लेती हूँ। यहाँ पर आप आलू को कोई भी शेप में काट कर ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, तो आप किसी भी प्रकार से इसको काट सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सभी आलू को काट करके रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, इसी में सभी आलू को डालेंगे और बिना पानी डाले इसको पीसेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। और चलिए मैंने यहाँ पर पीस करके ले लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं एकदम स्मूथ, यह पीस करके तैयार हो चुकी है। और इसमें पानी इसलिए नहीं डालना है कि आप पानी डालेंगे तो अच्छे से आलू भुजिया नहीं बन पाता है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। और देखिए मैंने बाउल में आलू को निकाल कर रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन को छलनी से छान कर ले लिया है अच्छे से। यहाँ पर मैंने एकदम बारीक वाला बेसन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मोटा वाला बेसन इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट और छलनी ले ली है, इसी में आज हम मसालों को छान कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर ले लिया है, इसको छान लिया है। मोटे मोटे दरदरे पार्ट को हम इसे हटा देंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें अमचूर का पाउडर ले लिया है 1/2 छोटी चम्मच, और 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले ली है, इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से छान करके ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने मसाला को छान करके ले लिया है और बाउल को ले आया है, इसी में 1/2 छोटी चम्मच काली नमक डालेंगे। काली नमक का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इसके साथ ही मैं इसमें सफ़ेद नमक डालूँगी, तो 1 टीस्पून सफ़ेद नमक डाल ली है मैंने, और सभी मसाले को मैंने यहाँ पर डाल ली है। अब इसमें एकदम बढ़िया कलर लाने के लिए 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेना है। इसके साथ ही मैं इसमें तेल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू भुजिया में तेल का इस्तेमाल करने से आलू भुजिया एकदम खस्ता बन करके तैयार होता है, तो आप तेल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। आलू के साथ में इन सभी मसालों को एकदम बढ़िया तरीके से हम मिला करके तैयार कर लेंगे। आलू के साथ में मैंने सभी मसालों को एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स करके ले लिया है। और यहाँ पर डाल रही हूँ बेसन, बेसन को इकट्ठा नहीं डालना है, पहले 1 कप बेसन डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही और बेसन डालना है। तो चलिए पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको स्पून में मिक्स करने से परेशानी होती होगी, तो आप हाथों से कर सकते हैं। हाथों को पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद मिक्स कर लें। आलू के साथ में बेसन को हमें धीरे धीरे करके मिक्स करना है, आलू में एकदम ज़्यादा से मॉइस्चर होता है, इसीलिए पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहाँ पर बाउल छोटा पड़ा है, तो मैंने बड़ा बाउल ले लिया है, अब इसी में डाल करके मिक्स करेंगे। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके मिक्स कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ, इसको डाल करके मिक्स करना है, तो इसको भी धीरे धीरे करके मिक्स कर लेना है। अगर आप कभी भी आलू भुजिया बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस में आपको बनाना है। आलू और बेसन को मिक्स करते हुए हमें डो के फॉर्म में लाना है, जिस प्रकार से हम घर में चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से हमें इसकी कंटिनेंसी को रखना है। तो देखिए मिक्स होकर के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कुछ समय के लिए ढक करके छोड़ देती हूँ।
करीबन 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है सेट होने के लिए। तो चलिए मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब चलिए 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक मशीन लिया है। पहले हम मशीन से बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको बिना मशीन के भी बनाना बताऊंगी। तो इस प्रकार से मशीन ले लिया है और यहाँ पर मैंने 2 से 3 छेदा ले लिया है, एक बड़े साइज़ का, एक मीडियम साइज़ का, एकदम छोटे साइज़ का। तो बीच वाले साइज़ का हम पहले बनाएंगे, तो इसको मशीन में फिट कर लेना है। अब हम मशीन के अंदर वाले हिस्से को तेल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि हमारा पैटर्न हम डालेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो चलिए मैं इसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। अब चलिए हमारे डो को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा डो एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है, हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। तो इसको हम एक लोई के बराबर तोड़ेंगे और इसका लंबा थोड़ा सा लोई बना लेंगे और इसको हम मशीन के अंदर में डालेंगे। तो मशीन को लेना है और इस प्रकार से डो को अंदर डाल देना है और मशीन में फिट कर लेना है। अब चलिए हम मशीन को थोड़ा सा प्रेस करके दिखा देते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से निकल रहा है। यहाँ पर मैंने गैस पर पहले से तेल चढ़ा कर रखा था और तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब इसमें छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमें टुकड़ा डाला, टुकड़ा ऊपर आ गया। तो हमें इसी प्रकार से तेल गर्म चाहिए, एकदम ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ऊपर से प्रेस करते जाएंगे और नीचे से हमारा आलू भुजिया निकलता जाएगा। और देखिए कितना सारा झाग ऊपर आ रहा है और धीरे धीरे यह कम होता जाएगा झाग, और हमारा आलू भुजिया बनता जाएगा। तो हमें इसे डालने के बाद केवल 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करने से इसका कलर बढ़िया से नहीं आएगा और यह जल जाएगा। तो हमें 2 से 3 मिनट ही इसे फ्राई करना है। इसको फ्राई करते समय गैस का फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बिना मशीन के भी बनाना बताऊंगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ग्रेटर ले ली हूँ, जिसमें आप अदरक क्रश करते हो ना, उसी ग्रेटर को ले लेना है और थोड़ा सा लोई लेना है और उसको इसमें दबाते जाना है। तो देखिए इसी प्रकार से दबाते जाना है, इससे भी आपकी भुजिया बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो जाती है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं है, इससे भी आप बना सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पर इसको धीरे से चला लेना है। और चलिए मैं चला लेती हूँ। इसको भी 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट फ्राई करते हुए हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। अगली बार आप सभी को आलू भुजिया खाने का मन करे तो आप घर पर ही बना लीजिए, मार्केट से लाने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए हमारी एकदम करारी और क्रिस्पी आलू भुजिया बन करके तैयार है। चलिए मैं एक प्लेट में निकाल करके दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी और करारी बन करके तैयार है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।